पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। 70 वर्षों बाद 24 जुलाई को कामिका एकादशी, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, भगवान श्री हर विष्णु जी का इस दिन पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री हर विष्णु जी की कृपा से उस व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनते हैं। व्रत के उपवासकों के साथ साथ उनके पितरों के कष्ट दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार सागर में फंसे हुए मनुष्यों को मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी उपवास से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। कामिका एकादशी के व्रत के दिन इस दिन भगवान श्री हर विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने वाला धन वैभव पुत्र पौत्रादि आदि सुख भोगता है। इस एकादशी के कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान श्री हर विष्णु जी का पूजन करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुश्रेष्ठ में स्नान करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्ति हो जाती है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वो फल कामिका एकादशी के उपवासकों को प्राप्त होता है। जो उत्तम विधि से भगवान श्री हरि नारायण का श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास रखते हैं तथा भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव नाग किन्नर पितृ आदि प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनकी पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से चलने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यानी कि व्रत किया जाता है, इसे एकादशी या 11 तिथि के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। और यह एकादशी व्रत का अपना हर एक एकादशी का अपना अपना एक विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप को नष्ट करने वाला और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला व्रत है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारणा समय के बारे में। तो दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 जुलाई 2022 को दिन शनिवार को सुबह 11:23 से शुरू हो जाएगी और समाप्ति का समय होगा 24 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 1:47 तक रहेगी। तो सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त समय जो होगा, वो जो मिल रहा है, वह समय है 24 जुलाई 2022 दिन रविवार को। तो 24 जुलाई को ही कामिका एकादशी तिथि मनाई जाएगी। तो इस दिन इस व्रत को आप कर सकते हैं और इस व्रत का पारणा जो कि 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारणा किया जाएगा। और पारणा का समय है सुबह 5:59 से लेकर सुबह 8:25 के बीच आप व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, खास बात तो यह कि इस बार कामिका एकादशी 70 वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ शुभ संयोग बन रहा है कि कामिका एकादशी के दिन विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और भी सही कई सारे दुर्लभ राजयोग और धनयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दृष्टि और भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से अब इन राशियों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, एकादशी की तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है और माता लक्ष्मी जी भी इस दिन काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस बार 24 जुलाई के दिन कामिका एकादशी है और इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बनने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। तो आखिर ये भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है, इन्हें क्या लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा,
आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो राशि आती है वो है मेष राशि। मेष राशि के आपको बता दें कि कामिका एकादशी के दिन कई वर्षों के बाद अद्भुत दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे माँ लक्ष्मी कृपा से और भगवान विष्णु की कृपा से अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे। बिजनेस व्यापार आय में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। आमदनी के धन के नए नए स्रोत आपको मिलेंगे। जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। व्यापारिक गतिविधियों में आप तेज रहेंगे, साथ ही व्यापार में आपका पूरा मन लगेगा। नौकरी पेशा वाले जातकों को भी विशेष लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नत और सैलरी में वृद्धि होगी। जीवन साथी से मधुर संबंध रहेंगे। माता लक्ष्मी कृपा से आपकी आमदनी तेजी से बढ़ेगी। घर परिवार में सुखमय जीवन रहेगा। अगली यानी जो दूसरी जो राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि कहते हूँ, इस बार 24 जुलाई को कामिका एकादशी है और इस दिन कई विशिष्ट योग बनने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा आपके ऊपर रहेगी। अब आपकी किस्मत चमकेगी। अनेक प्रकार के लाभ होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। स्टूडेंट को किसी बड़े संस्था में दाखिला लेने का मौका मिलेगा। कुछ अच्छे कारोबार का विस्तार करेंगे। कुछ अच्छे कार्यों उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। धन संपत्ति का अधिक से अधिक लाभ होगा। अब अगली यानी जो तीसरी जो राशि आती है दोस्तों, बता दे वो है यहाँ पर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के आपको बता दे कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से इस बार कामिका एकादशी के दिन आपकी लॉटरी लगने वाली है। अब आपके किस्मत चमकेगी। धन संबंधी समस्याएँ खत्म हो जाएंगी। अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलेंगे। आप इसमें विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, विदेशी कंपनी से जुड़ सकते हैं। विदेश में अगर कोई कार्य रुका हुआ है तो उसमें आपको जबरदस्त सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। अनेक क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्ति होगी। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफ़ी कारगर साबित होगी। धन संपत्ति का तेजी से लाभ होगा। महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। अब अगले यानी जो चौथी जो राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है मकर राशि। मकर राशि के आपको बता दें कि अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की क्षेम कृपा आपके ऊपर रहेगी। स्थितियां काफ़ी बेहतर होगी। धन संबंधित समस्याएं खत्म हो जाएंगी। व्यापार में तेजी से मुनाफा कमाएंगे। भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा। रुका व फंसा व धन भी प्राप्त होगा। कैरियर में सुधार होगा। कैरियर में उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। किसी बड़ी कंपनी से आपको ऑफर आ सकते हैं। जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो विशेष लाभ होगा। आपकी धन संपत्ति में तेजी से मुनाफा प्राप्त होगा। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफ़ी कारगर साबित होगी। साथ ही साथ आप बता दें कि इसमें यात्रा काफ़ी बेहतर होने वाली है। नए कारोबार की स्थापना करेंगे। घर परिवार में कोई शुभ मंगल धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। अब अगली यानी जो पांचवी जो राशि आती है वो है मीन राशि। मीन राशि के आपको बता दें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा रहेगी। इस बार कामिका एकादशी आपके लिए बहुत शुभ फलदायक रहेगी, लकी रहेगी। बता दें कि अब आप कुछ नया करने का सोच सकते हैं। जमीन प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। अचानक आय में वृद्धि होगी। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफ़ी कारगर साबित होगी। कुछ अच्छे लाभ के योग बने रहेंगे। साथ ही साथ आपके धन की स्थिति भी मजबूत रहेगी। कारोबार में तेजी से विस्तार कर पाएंगे। धन को लेकर चिंताएँ दूर होंगी और धन संपत्ति का तेजी से लाभ मिलेगा। अब अगली यानी जो छठवीं जो राशि आती है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के आपको बता दें कि अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। आप धन से मालामाल बनने वाले हैं। यह कामिका एकादशी कई प्रकार के सुफलदायक आपके लिए रहने वाली है। बता दें कि आपको इस समय बैंक से कोई लोन मंजूर होगा और पार्टनर में कोई काम कर रहे हैं तो जबरदस्त धन का लाभ होगा। घर के सुख सुविधा प्राप्त करेंगे। बड़े भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होगा। रिश्तेदारों में जो कड़वाहट थी वो दूर होगी और इसमें आप किसी बड़ी कंपनी के संपर्क में रहेंगे। इसमें आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से इन छह राशियों को विशेष लाभ होगा। ये छह राशियां बन सकती हैं करोड़पति, बन सकते हैं ये धन से मालामाल, क्योंकि अब इन छह राशियों की किस्मत तेजी से पलटेगी। कामयाबी के शिखर पर रहेंगे। भाग्य इनका सातवीं आसमान पर रहेगा। इन्हें हर सुख सुविधा में वृद्धि करने का मौका मिलेगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा से ये दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखेगा जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय शनिदेव।